दोस्तों बड़ी खबर आ रही है पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर अलकायदा की चेतावनी। अलकायदा ने चिट्ठी में लिखा नूपुर शर्मा और दिल्ली मुंबई यूपी और गुजरात को मिटाकर राख कर देंगे। खबर जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। आपको बता दें पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में अब दहशतगर्द संगठन अलकायदा भी कूद गया है। अलकायदा इन द सबकॉन्टिनेंट ने चिट्ठी जारी कर भारत को चेतावनी दी है। अलकायदा ने कहा भगवाधारियों का अंत करेंगे। अलकायदा ने लेटर में कहा कि कुछ दिन पहले हिंदुत्व के प्रचारक ने टीवी डिबेट के दौरान इस्लाम धर्म का अपमान किया था। उनके बयानों से दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। अलकायदा ने आगे कहा कि हम पैगंबर के अपमान का बदला लेंगे। हम अपने और अपने बच्चों के शरीर में एक बैग बांधेंगे ताकि ऐसे लोगों को उड़ाया जा सके। दिल्ली मुंबई यूपी और गुजरात में भगवाधारियों का अंत करेंगे। वे न अपने घर में छुप पाएंगे और न ही सेना उन्हें बचा पाएगी। वही चिट्ठी में दिल्ली मुंबई यूपी और गुजरात को मिटाने की बात की गई है और इस चिट्ठी पर 6 जून 2022 की तारीख है। यह चिट्ठी सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रही है। बता दें पूर्व भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने पैगंबर पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। एक न्यूज डिबेट में भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जिसका मुस्लिम समुदाय लगातार विरोध कर रहा है। पिछले दिनों शर्मा ने बयान जारी कर कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मामले के तूल पकड़ने के बाद पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि वे बिना शर्त अपने बयान वापस लेती हैं। शर्मा पर महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। वही मुस्लिम देश जता रहे हैं विरोध इस मुद्दे पर। सबसे पहले 57 मुस्लिम देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने विरोध जताया और इसके बाद कुछ अरब देशों ने भारतीय उत्पादों का बहिष्कार शुरू कर दिया। इसके साथ ही ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, अफगानिस्तान, ब्रिन, मालदीव, लीबिया, इंडोनेशिया, तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान ने भी बयान का विरोध किया है। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।